हेलो वेलकम नमस्ते। आज हम बनाएंगे सोया चंक्स पंजाबी करी स्टाइल। सो उसके लिए सोया चंक्स हमने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल करना है। 3 से 4 मिनट तक आप उसको बॉईल करें, बाद में उसको निकाल के ठंडे पानी में थोड़ी देर रखें और स्क्वीज करके साइड में रखें। एक पैन में हमने ऑयल लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे जीरा। जीरा जैसे क्रैक होता है, उसके अंदर डालेंगे हम चॉप्ड किया हुआ ऑनियन। उसको हम थोड़ी देर सौते करेंगे, उसको ब्राउनिश होने तक हम सौते करेंगे। थोड़ा नमक डालें, उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तक साइड में हम टमाटो बारीक कट कर लेंगे। आप देखें, मिक्स करें। ये हमने छोटे छोटे चंक्स लिए हैं, बाजार में छोटे चंक्स भी मिलते हैं, बड़े चंक्स भी मिलते हैं। जिस तरह तो आपको जैसे चंक्स पसंद है उस तरह से आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और बना सकते हैं। ये करी हम थोड़ी पंजाबी स्टाइल से बनाएंगे, यानी कि सारा तड़का हम थोड़ा मसाला ज़्यादा थोड़ा डालेंगे, सारा ड्राई मसाला और गार्लिक जिंजर पेस्ट सब थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सोया चंक्स में फ्लेवर देने के लिए थोड़ा मसाला आपको हम जैसे डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। ये हमारा आप देख रहे हैं ऑनियन हो गया है, उसके अंदर हम गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। ये जिंजर पेस्ट आप चाहे तो बारीक काट करके डाल सकते हैं, जिंजर और गार्लिक और चिली। तब हमने जीरा का पेस्ट कर दिया है, उसका रो स्मेल जैसे ही जाएगा उसके अंदर हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल। ये उसका रो स्मेल चला गया है, गार्लिक और नियम हो गए हैं। उसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सोया चंक्स को हमने स्क्वीज करके पानी में से निकाल के एक प्लेट में रख लिया है। तो टमाटर भी हम थोड़ी देर में सौते करेंगे। अब उसके अंदर हम डालेंगे सारे हमारे ड्राई मसाले, यानी कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है हमने। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप कोई भी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये हमने किचन किंग मसाला लिया है जो बाज़ार में रेडीमेड मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मसाले हम अंदर मिक्स कर देंगे। और ये थोड़ा है ड्राई कसूरी मेथी, जिसको हमने पीस लिया है दोनों हाथों से, और वो भी हम थोड़ा सा डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अब करीबन मीडियम हीट से आप 5 से 7 मिनट तक, जब तक इसका अंदर से ऑयल नहीं छूटे तब तक आप उसको अच्छी तरह से पकाएं। टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाने चाहिए। इसके अंदर ये देख रहे हैं हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरह से कलर आ गया है और ऑयल भी छूटने लगा है। तो उसके अंदर हम डालेंगे सोया चंक्स। आप चाहे तो इसके अंदर पीस भी डाल सकते हैं, पोटैटो भी डाल सकते हैं सोया चंक्स के साथ। इसको अच्छी तरह से मिलाएं, मसाला मिक्स करें और उसके बाद थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के इसको मीडियम हीट पे 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से पकने दें, जब तक सोया चंक्स में सारा मसाला मिक्स हो जाए तब तक। आप फ्रेश करी अंडा भी ऊपर डाल सकते हैं, काट के अंदर गार्निशिंग के लिए तो हमको चाहिए ही चाहिए, अंदर भी आप थोड़ा डालें तो टेस्ट बढ़िया आता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है। आप उसको थोड़ा सा सोया चंक्स को कट करके देख ले, ये पक गया है, नहीं पका है तो और थोड़ा सा 5 मिनट उसको रहने दे और थोड़ा सा मिक्स करें, टेस्ट कर ले। आप नमक मसाला कम लगता है तो आप डाल सकते हैं, शुगर भी आप डाल सकते हैं, पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं शुगर। अभी उसको हम और 5 से 6 मिनट और पकने देंगे। ये हमारी रेडी है, तो इसे आप
गर्मा गर्म बेस में निकाल के ऊपर से फ्रेश करी अंडा डाल के उसको आप सर्व करें नान चपाती के साथ, राइस के साथ, बहुत ही बढ़िया लगता है। ज़रूर आप बनाइए। थैंक यू वेरी मच।